वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताता चलूं कि वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें मिला हुआ है यहाँ पे एक क्यूआर कोड जिस बंदे ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। तो अगर बूस्टर नहीं लगवाया ना, तो फिर वो अगले महीने के शुरू में या एंड पे वो क्यूआर कोड जो आपका इनवैलिड हो जाना है, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है बूस्टर वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, जहाँ भी अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ऊपर देख ले, आहोई, वो मेरे पीछे लिखा हुआ येलो कलर में, आहोई। आज मेरा अपॉइंटमेंट थी वैक्सीनेशन के लिए, जो बूस्टर वैक्सीनेशन जो नहीं आई है। पहले वाले दो वैक्सीनेशन मैं ले चुका हूँ, लेकिन ये बूस्टर भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आज मेरी अपॉइंटमेंट थी 10:10 पर, लेकिन लेट हो गया। हाँ जी, तो ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 की ड्राइव पे है, 10-15 की ड्राइव पे ना, सॉरी वॉक डिस्टेंस पे, तो ड्राइव पे 5 है। तो फिर मैंने अभी ऊबर ऑर्डर कर लिया। अभी अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, ना ही फ़ोन फ़ोटो बना सकते हैं, ना वीडियो बना सकते हैं, तो इसलिए फिर मैं अभी बंद करता हूँ। अच्छा, ये फॉर्म जो है ना, वैक्सीनेशन से पहले मुझे फ़िल करना था ऑनलाइन, लेकिन मैं नहीं कर पाया और मैं अभी इधर करने लगा हूँ। ये सारा जितनी डिटेल है ना इसकी, वैक्सीनेशन की, या पहले आपको कोरोना तो नहीं हुआ, या आपने कौन सा प्रिक पहले लिया हुआ है, या इस तरह के सवाल सारे जो है ना वो इस फॉर्म के ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये जितने भी सवाल थे ना, ये देखें सब के नहीं 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 नहीं, यानी कि नो नो नो, बड़ा ईजी जो मैंने फिल कर दिया। अब चलते हैं अंदर, अब दूसरी लाइन में वहाँ पे अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन। अहोई हाल है, ये बहुत बड़ा हाल है, ये जिसके अंदर सपोर्ट हाल भी है और कॉन्सर्ट भी यहाँ पे होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी यहाँ पे होती हैं और स्पोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे होती हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के हाल बने हुए हैं, इसको कहते हैं हम अहोई। ये ऊपर देखें ना, ये देख लें जी, इतना बड़ा हाल है और इसके अंदर जितने भी ये लाइन लगी हुई हैं वैक्सीनेशन के लिए, सब लोग ना 5-10 में आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का सिस्टम जो है ना बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है इन्होंने। तो ये देख लें, ये जी मेरा प्रूफ है कि मैंने वैक्सीन ले ली है। वैसे यहाँ पे ना वीडियो बनाना या फ़ोटो बनाना अलाउ नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग जो है ना 10-15 आफ्टर वैक्सीनेशन, यहाँ पे आपको 15 वेट करना पड़ता है, और इसके बाद 15 के बाद आप जा सकते हैं घर। लो जी, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अहोई है, इसको हम अहोई हाल बोलते हैं, कॉन्सर्ट हाल है। यहाँ पे स्पोर्ट भी होती है, कॉन्सर्ट भी होते हैं और मीटिंग वगैरह भी होती हैं यहीं पे ना, और यहाँ पे ही उन्होंने वैक्सीनेशन का सारा सिस्टम रखा हुआ है, जहाँ पे वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो मैंने तो वैक्सीन लगवा ली है, अब देखें कि इसके आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं। तो मेरे इस साइड पे आप ये जो बिल्डिंग पीछे नज़र आ रही है, इसके पीछे एक शॉपिंग मॉल है, और इधर साथ ही मेरा बैंक है, और मुझे याद आया कि मुझे बैंक में कोई काम है। काफ़ी दिनों से मैं आना चाह रहा था बैंक में, लेकिन सुस्ती, लेकिन आज सोचा हुआ कि मैं आया हुआ हूँ, तो चले
ये काम भी साथ निपटाते चलते हैं। तो ये बैक साइड पे सारी जितनी भी आपको नज़र आ रही है सारी पार्किंग है, और माशाल्लाह इन्होंने सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि 10:10 पे मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैं तकरीबन कह लगे 10 मिनट लेट आया हूँ। तो टोटली जो भी इनका काम है फॉर्म फिल करने से लेके वैक्सीनेशन तक, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद आपको 15 मिनट वहाँ पे वेटिंग रूम में वेट करना पड़ता है कि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, वोमिटिंग वगैरह वो, या आप जो है ना वो बेहोश वगैरह ना हो। तो इसलिए तो अभी फ्री हो गया हूँ, तो अभी चलते हैं बैंक। तो बाकी सूरत हाल फिर आपको बाद में अपडेट करते हैं। तो आया मैं ऊबर पे था क्योंकि लेट हो गया था, तो बताया था कि यहाँ से दूर नहीं है मेरे घर से ये लोकेशन, तो ऊबर ऑर्डर कर ली थी क्योंकि ऊबर ने 2-3 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचा दिया था। तो अभी जाते हुए पैदल जाएंगे, तो अभी जल्दी कोई नहीं है ना, इसलिए पहले बैंक जाएंगे फिर बैंक से होके घर जाएंगे। और मौसम की जो सूरत हाल है वो ये है कि बारिश नहीं हो रही आज अभी, लेकिन बादल बने हुए हैं, ये सारे आप देख रहे हैं पीछे बादल बने हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, और टेम्परेचर जो है वो ठंडा ठंडा सर्दी है। तो मेरे ख्याल में 5 या 6 टेम्परेचर है आज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश नहीं हो रही आज, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बारिश होती है, तकरीबन कह लें कि 70% जो बारिश होती है यहाँ पे ना, लेकिन आज बारिश नहीं है, बादल बने हुए हैं, लेकिन पता कोई नहीं किसी वक्त भी बारिश हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी बारिश नहीं हो रही। ये जो आप रेड कलर की बस देख रहे हैं ना, ये जाती है रोटरडैम से जितने 7-7 छोटे छोटे विलेजेस हैं वहाँ पे, छोटे छोटे गांव हैं जो रोटरडैम के साथ हमारी सिटी के साथ, ये वहाँ पे जाती है। ये देखें ना, ये बंदे का निशान बना हुआ है तो ये रेड है, इस पे आपको वेट करना होगा। इसका मतलब है कि आपका जो इशारा है वो रेड है, तो जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक हमें वेट करना होगा यहाँ पर। मैं ना अपना माइक घर बोला हूँ, लेकिन कोशिश करूँ मैं ऊंचा बोलने की, पता नहीं अब आवाज़ की क्वालिटी अब तक कैसे पहुँच रही है, किस तरह की पहुँच रही है। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं मेरे पीछे ये वाली, ये सारे ऑफिस हैं, ये भी, और ये सारे ऑफिस पीछे, और इस तरफ जो है ना ये एक हॉस्पिटल है, इसका नाम है काजिया हॉस्पिटल, को हम अपनी ज़बान में जिकनस कहते हैं, और इसका नाम है एकाजिया जिकनस, यानी कि एकाजिया हॉस्पिटल। अच्छा ये ना फ्लाईओवर है, ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ना ये फ्लाईओवर है, और ये कनेक्ट करता है शॉपिंग मॉल को और हॉस्पिटल को डायरेक्ट। ये देख, और ये मेरे पीछे शॉपिंग मॉल की पार्किंग है, और शॉपिंग मॉल का नाम है साउथ प्लाइन, वो आपको शायद पीछे, वो पीछे शायद नज़र आ रहा है आपको, वो ब्लैक और पर्पल कलर का। अच्छा जी, मेरा बैंक जो है ना वो भी इसी शॉपिंग मॉल के अंदर है, देख रहे हैं शॉपिंग मॉल पीछे, तो ये मेरा साथ बैंक है, ये मेरे पीछे ING, ये मेरा बैंक है, और ये शॉपिंग मॉल के अंदर ही है। तो हम इस वक्त आ चुके हैं शॉपिंग मॉल के अंदर,
अभी पता नहीं अंदर वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ तक आपको बता दूं कि मैं अपने बैग में पहुँच चुका हूँ। काफ़ी टाइम लग गया अंदर, तो मसला ही कुछ इस तरह का था। अब फ्री हुआ हूँ तो ओहो आ जाना किधर, ये लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे अभी जो रूल है ना वो है 1.5 मीटर डिस्टेंस और मास्क, ये बहुत ज़रूरी है। तो बैंक वाला मसला भी हल हो गया, अब चलते हैं ना। अब मुझे ना थोड़ा थोड़ा ना फील हो रहा है, क्योंकि मैंने वैक्सीन करवाई है, तो जिसकी वजह से मुझे ना अभी थोड़ा थोड़ा बुखार फील हो रहा है और मसल पेन शुरू हो गई है अभी से ही। तो अब घर की तरफ चलते हैं, ठीक है, फिर बाकी अपडेट चल के आपको घर पे देते हैं। वो जो औरत गई है ना, वो दाने डाल के गई है कबूतरों को, और कबूतर देखे कैसे आ गए हैं यहाँ पे। ये पैदल रास्ता जाता है घर की तरफ। लो जी, घर वापस पहुंच गए। तो अभी जैकेट वगैरह उतारते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता मैं करके नहीं गया था, तो अभी नाश्ता करना। पता है कि मैं घर वापस आ गया हूँ और अभी करने लगा हूँ नाश्ता। तो वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताता चलूँ कि वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें मिला हुआ है यहाँ पे एक QR कोड, जिस बंदे ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। तो अगर बूस्टर नहीं लगवाया ना, तो फिर वो अगले महीने के शुरू में या एंड पे वो QR कोड जो आपका इनवैलिड हो जाना है, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है बूस्टर वाली। तो इसलिए ज़रूरी था बूस्टर वाली वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी था। तो क्योंकि कुछ कंट्रीज़ होते हैं कि जहाँ आप नहीं इंटर कर सकते अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का भी मोड़ बन रहा है जाने को, तो फिर बहुत ज़रूरी है। अभी इसके साथ पता नहीं PCR टेस्ट भी करवाना है कि नहीं, लेकिन वो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन ये झंझट तो ख़त्म हुआ वैक्सीनेशन वाला, कि बूस्टर लगवा लिया कि नहीं लगवाया। तो फाइनली आज बूस्टर लग गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।